चलो आवाज नहीं आ रही थी, अब आएगी सभी को आवाज। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब तो आ रही है ना आवाज। राधे राधे। और सुनाओ चाचा, कैसे हो? सब बढ़िया? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं, कुछ ऐसे भी हैं तुम्हें खुश रहने से जलते हैं। तो जलाओ दुनिया को, आगे बढ़ते जाओ। नॉन स्टॉप गाड़ी आगे चलते रहना चाहिए इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। नॉन स्टॉप आगे बढ़ते जाओ, नॉन स्टॉप। जहां ब्रेक लगाया वहीं दिक्कत में है गाड़ी, समझ रहे हो? नॉन स्टॉप आगे बढ़ते जाओ इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो सक्सेस इज अ बेस्ट थिंग ऑफ अ अचीवर पर्सन, है ना? इफ यू वांट टू बिकम अ अचीवर पर्सन तो आप लोग लगातार आगे बढ़ते जाइए। कोई सक्सेस से कोई समझौता नहीं। देख लूंगा सही से, देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं। अरे मेरी तकिया तो मेरे से दूर है, तकिया ले लूं? कि तकिए के बिना मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। रहने दो, बिना तकिया के पढ़ाना पड़ेगा लगता है आज। कोई बात नहीं, एक दिन बिना तकिए के पढ़ाते हैं, है ना? क्या हुआ सर? सब बढ़िया, एकदम परफेक्ट, सैलेश भाई, कोई इशू नहीं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। हुआ जरा सर ये है सैलेश जी, कि अभी अभी एक लड़की से बात हो रही थी, सोचो, है ना? देखो मैं परफेक्ट बताऊंगा, कोई घेर फेर नहीं, सब लोग मौजूद है ना, अपने लोग, है ना? तो उनका ऐसा कहना था कि आप लोग अपनी जॉब लगा लो तो हम लोग शादी कर लेंगे। कितना शानदार कहना है ना? अरे ये मजाक कर रहा हूँ मैं, तो सब लोगों को बता रहा हूँ कि भाई साहब हाथ पीले हो जाएंगे यदि आप लोगों ने जॉब लगा ली तो, है ना? तो हाथ पीले करवाने की यदि इच्छा है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, जॉब लगा लेनी है सबसे पहले, है ना? सैलिस, अंजू गिरिराज और महिमा, मनीषा सालनी, गिरिराज भाई, प्रयाग एंड प्रिया पटेल, महिमा चंचला और सैलिस पटेल, सब लोगों का दिल से स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास टाइम से पहले क्यों भैया? रेगुलर आप लोगों का कितने बजे लेता हूँ? 9 बजे ही क्लास लेता हूँ, तो 9 बजे ही मैंने ली है। 9 बजे ही रेगुलर मैं क्लासेस लेता हूँ, 9 बजे ही मैंने क्लासेस ली है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है, बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वाइल कैन बी कॉल्ड, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। जय हिंद, जय जय हिंद लखन भाई, जय हिंद। तो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। पित्त का कार्य क्या कहलाता है? हाँ जय हिंद चाचा। बैकग्राउंड सॉन्ग तो चल रहा है ना इसके, यही इसके सुनाई तो पड़ रहा होगा। तो पहला, पित्त के कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो पित्त का कार्य जो आप लोग का है ना, पायसीकरण कहलाता है। महिमा, मनीषा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी वंदना, पारदे जी, वेरी गुड इवनिंग। अखिल प्रताप, राधे राधे। तो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो पित्त का कार्य आप लोग का पायसीकरण कहलाता है। देयर इज ए इज योर राइट आंसर, देयर इज नो इशू, है ना? ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये बताओ दंत वलक किसे किससे बना होता है, दंत वल्क आपका किससे बना होता है। गुड इवनिंग शिवानी जी, ये बता दीजिए दंत वल्क आपका किससे बना होता है। तो ये पोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फेरस सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट। दंत वल्क की बात की जा रही है, तो ये आप लोगों का कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, है ना? दंत वल्क जो आप लोग का रहता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बी इज राइट आंसर, कोई इश्यू तो नहीं है। मुझे भी पाना है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। बी इसमें आप लोग का राइट आंसर है, मुझे भी पाना दिया जाए, ठीक है सैलिस। आज प्रमोशन तुम्हारा ही किया जाता है, कर दिया सैलिस भाई तुम्हारा पटेल। गले में के छल्ले मौजूद रहते हैं, गले के अंदर गोल गोल छल्ले मौजूद रहते हैं, ये छल्ले किसके बने होते हैं, उपास्थि के, जोड़ के, एरोलर के या स्नायु के, बताइए। वेरी गुड, क्या बात है मासूम जी, आ गए आप, पधारो, गुड इवनिंग। तो यहां देखा जाए गले में छल्ले मौजूद रहते हैं वो आप लोग के क्या कहलाते हैं, या किसके छल्ले मौजूद रहते हैं,
तो यहां आपका देखा जाए उपास्थि के छल्ले मौजूद रहते हैं। हेयर इज योर राइट आंसर, यानी कि उपास्थि इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो आप लोग के गोल गोल छल्ले हैं आप लोग देख सकते हो, ये यहां पर मौजूद रहते हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? कंठ नली, नाशा गुहा, ग्रास नली या ग्रसनी, जहां से भोजन और हवा नॉर्मली आप लोगों के शरीर के अंदर जा सके, वो आप लोगों की क्या है? ग्रसनी है, यानी कि डी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ग्रसनी इज योर राइट आंसर। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट को, सेल्यूलोज को, कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को? तो किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? ये है आप लोगों का सेल्यूलोज, यानी कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की आवश्यकता होती है। वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड इवनिंग सभी को, है ना, शुभ संध्या मासूम जी। ये बताएं आप लोग कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त गंदगी का परिवहन करता है? तो रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त गंदगी का परिवहन करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिकाएं, कौन सा भाग आप लोगों का है? तो ये आपका देखा जाए डी, यानी कि प्लाज्मा, जो कि भोजन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गंदगी का परिवहन करता है। प्लाज्मा इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। ये बताइए रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं या प्लाज्मा? तो ऑक्सीजन को फ्लो करने के लिए आप लोगों का आरबीसीज वर्क करती हैं, रेड ब्लड सेल्स आप लोगों का वर्क करते हैं। क्या बात है गुरु जी, बड़े अच्छे भजन सुन रहे हो अखिल प्रताप। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, ये तो चलते रहना चाहिए, जिससे क्या है थोड़ा सा दिमाग फ्रेश रहता है। इनकी मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ एक दो दिन में, है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है इनका। पहले तो मैं लोकल थाने में कंप्लेंट करूंगा, फिर लोकल कलेक्टर से कंप्लेंट करूंगा यदि ये नहीं माने लोकल थाने से, तो फिर उसके बाद डीएसपी ऑफिस में शिकायत करूंगा, वहां से भी नहीं माने तो सीएम हेल्पलाइन पर बड़ी बारी शिकायत करूंगा, इनका मकान बिछवा दूंगा। लेकिन ये गाने मुझे नहीं चाहिए। नाउ आई डिसाइडेड इस गाने को बंद कर दूंगा आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ इन गानों से। गाने सुनो, एक लिमिट में सुनो, ये पूरी रात पूरा दिन पता नहीं मतलब क्या चल क्या रहा है भाई साहब, समझ में नहीं आता इनका। ये बताओ मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? वेरी गुड इवनिंग पटेल साहब। यहाँ देखा जाए आप लोगों का भैया क्या हुआ, ये आप लोगों का लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहेगा? मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली आरबीसीज में नहीं पाया जाता है, ए इज योर राइट आंसर। अच्छा, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? किडनी, लीवर, अग्नाशय और बड़ी आंत। आज मैंने अपने एप्लीकेशन पर सारी के सारी पीडीएफ फाइल डाल दी है, जो भी विद्यार्थी डाउनलोड करता है एमसीजे अकेडमी के एप्लीकेशन को, सब पीडीएफ फाइल उसको मिल जाएंगी। ये बताएं मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? तो ये जो काम करता है ना, वो आप लोगों का किडनी है, लीवर है, अग्नाशय या बड़ी आंत। तो ये काम आप लोगों का कौन करता है? लीवर करता है, यानी कि वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। वी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, भावना के साथ तो नहीं बह गए आप लोग, चलो नहीं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है, विजुअलिटी से संबंधित है, उस वर्ण का नाम बताइए। लाइक करो भैया सबसे पहले, नहीं तो सब लोगों की कुटाई करना है, सब लोग बंद कमरे में आ जाएं, कुटाई सबकी होगी। तो कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? रेड कोशिकाएं, कौन यानी कि शंकु कोशिकाएं, ऑस्टिक डिस्क और आयरिस। तो दर्शन से संबंधित स्पेशली आपकी कौन सी कोशिकाएं? तो ये आप लोग की शंकु कोशिकाएं रहेंगी। कौन सेल्स आप लोग की दर्शन से संबंधित हैं? वी इज योर राइट आंसर, है ना। एक न्यूरॉन की सेल कोशिका को क्या कहा जाता है? अ सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो एक न्यूरॉन की सेल कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं बता दीजिएगा। ये आप लोगों का पेरिकेरियन, श्वान या डेंड्रॉन या सोमा। एक न्यूरॉन की सेल कोशिका को क्या कहा जाता है?
तो एक न्यूरॉन की सेल का उसका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग सोमा के नाम से जानते हैं। वन न्यूरॉन की सेल को उसका को हम लोग सोमा कहते हैं। और एक न्यूरॉन में कई सारी सेल को उसका मौजूद रहती है ना। मुझे लगता है तो सब लोग प्रमोट हो गए, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको जो है मॉडरेटर बनाना है। मंजू, महिमा, ये लोग रह गए, इनको मैं देखता हूँ एक एक से, है ना। ये बताओ कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? क्या बात है, ध्वनि के कंपन को विद्युत संकेतों में, मतलब देखो जुगाड़ तो खतरनाक बैठाई है, अल्लाह भी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी, लेकिन वो अलग तरीके से पूछना चाह रहा है। स्पेशली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए हम लोग बात करेंगे तो कॉन्क्लिया वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, कॉन्क्लिया इज योर राइट आंसर, जो कि ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मुझे नहीं बनना, हटा दो, काहे? तुमको सैलरी नहीं मिल रही है इसीलिए। देखो भैया अभी कड़की चल रही है, पैसे नहीं है तो सैलरी नहीं दे पाएंगे मासूम, यदि तुमको रिजाइन देना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्वनि के अनुसार कंपन होता है तो कंपन स्पेशली देखा जाए कान के किस भाग में ध्वनि प्राप्त होती है जिससे कंपन होता है, तो वो है आप लोगों की कर्ण पट्टी झिल्ली, जिसको हम लोग ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। कंपन तब उत्पन्न होता है जब ध्वनि इस भाग में जाकर के आप लोगों का गिरती है। ये बताओ अल ऑल फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑल फैक्टरी वर्ड जो आपका है वो श्रवण से है, दृष्टि से है, स्पर्श से है या गंध से है, बताइए। ऑल फैक्टरी जो वर्ड है वो किस शब्द से संबंधित है? वेरी गुड, क्या बात है, शिवानी, वर्षा, वंदना, अखिल, प्रताप, मासूम, भिंड में रहना पसंद नहीं, अच्छा भीड़ में रहना पसंद नहीं है, चलिए ठीक है। फिर यहाँ देखा जाए आप लोगों का गंध, इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अल्फ कटरी वर्ड आप लोगों का किससे संबंधित है? गंध से संबंधित है, डी इज योर राइट आंसर। अच्छा ये बताओ महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के द्वारा स्त्रावित होता है? वेरी गुड इवनिंग चंदेल साहब, लेट हो गए आज। तो यहाँ पर देखा जाए कौन सा राइट आंसर रहेगा, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? मणियों, बताओ ये जल्दी से, ये जो आप लोग का किससे स्त्रावित किया जाता है? मंजू गुड इवनिंग, ये जो आप लोग का रिलीज किया जाता है अंडाशय से, कहाँ से भैया, डीज में आप लोग का राइट आंसर रहेगा। एस्ट्रोजन जो आप लोग का है ओवेरी के द्वारा आप लोगों का रिलीज किया जाता है। पूजा पिछले वाली टेबल पर बैठ जाओ, बिल्कुल जो लेट आई है वो लास्ट में बैठेगा, पहले मत बैठना, ठीक है। एस्ट्रोजन आप लोगों का है जो कि महिलाओं के महावारी चक्र को विनियमित करने में मदद करता है और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। मादा के किस अंग में अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो अंडों का निर्मित कहाँ पर किया जाता है? अंडों का निर्माण, बताएं सभी लोग, हाउ रहा था, चलो बताएं भाई कहाँ पर किया जाता है अंडों का निर्माण? तो गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, अंडाशय और गर्भाशय। तो अंडों की बात की गई है तो अंडाशय में ही काम चलाना पड़ेगा, सी ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली इन्फेक्टेड बाय रेड फ्लिया? तो आप लोगों का रोहिणी, कोलेरा, मलेरिया और प्लेग, कौन सा आप लोगों का है जो चूहे से संक्रमित होता है? बहुत फैलाता भाई सब, पता है ना, बहुत फैलाता आज से 100 साल पहले प्लेग। तो डी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, प्लेग आप लोगों का राइट आंसर है, चूहे से फैलने वाला रोग है ना। ये बताओ मुझे कुष्ठ रोग और न्यूमोनिया ये अलग अलग रोगजनक दिए गए हैं, याद करो, इनमें कौन सा उभयलिंगी फूल है? विच ऑफ दीज इज अ हर्मा फेरिडिक फ्लावर? उभयलिंगी, सरसों, पपीता, तरबूज और खीरा, क्या बात है, सब लोग राइट आंसर दे रहे हैं। सलोनी रघुवंशी, महिमा तिवारी, अखिल प्रताप, मंजू, मनीष, मनीषा, वंदना, शिवानी, शुक्ला, सब लोग राइट आंसर दे रहे हैं। तो उभयलिंगी फूल की बात की गई है, सरसों आप लोग का है उभयलिंगी फूल।
आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा बताओ। मैं भी हूं तुम्हारे साथ, चलो पीछे की पीछे बैठे रहो ना। ये बताओ आंख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा रियल और उल्टा होता है, या सीधा और वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, या बड़ा हुआ और वास्तविक होता है। तो देखो एक बात मैंने आपको बताई थी कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, जितनी भी रियल इमेज होते हैं, वो आर इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। काय री है ना, आर आई याद कर लो। रियल हमेशा उल्टे होते हैं और जो वर्चुअल होते हैं वो सीधे होते हैं। तो आंख पर बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा बनता है, पर वो इमेज अपने माइंड में जाती है और माइंड उसको सीधा करके देखता है, बोले तो उल्टा आया है, इसको घुमाएगा फिर पड़ेगा। इज योर राइट आंसर। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? शबनम ट्यूबरोसम से अच्छे से याद हो जाएगा, है ना, ये शबनम से कम थोड़ी ना, ये फसल जो जिसका नाम ये है सोलेनम ट्यूबरोसम, हर मौसम में चलता है भाई साहब 12 महीने। स्टूडेंट का तो मतलब यही मान लो, यही है जीवन साथी, स्टूडेंट लाइफ की परफेक्ट डिश आलू, परफेक्ट सब्जी आलू, समझ रहे हो। तो ये सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आप लोगों का आलू ही है, यही आप लोग का राइट आंसर। घरेलू महिलाओं को पूछो आलू के प्रयोग, लिस्ट बनवा देंगी, है ना, समझ रहे हो। ये रहे आलू, आलू को हम लोग सोलहनम ट्यूब पड़े नाम से जानते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्स में छिपा हुआ प्याज आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, प्याज को हम लोग एलियम शेपा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? आणविक ऑक्सीजन की बात की गई है, बताओ भैया कौन सा प्राणी है जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? सभी लोग लाइक कर दो भैया, नहीं तो मासूम लठ लेके खड़ी है ना। मैं तो तैयार हुई, लेकिन दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, तो ये अरे द्वारपालों में से एक है ना, मासूम लठ लेके किसी को भी ठोक देगी। ये देखा जाए आप लोगों का, कौन जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। यदि आपकी ऐसी इच्छा है, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते हो, तो आपको मॉडरेटर से हटा दिया जाएगा, आपको मैनेजर बना दिया जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे, जल की बात की गई है, आणविक ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? तो ये आप लोगों का फाइटो प्लैंकटन कटान आप लोगों का कहलाता है, यानी कि डी इसमें आपका राइट आंसर आएगा। शर्त ये रहेगी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी पेपर निकालो पहले। 6 लोगों ने लाइक नहीं है, कौन की पटाई करो। मैथ की क्लास कब से लगेगी? मैथ की क्लास 20 तारीख से लगेगी, आपको एप्लीकेशन पर जाकर के कोर्स परचेस कर लेना है, जो जो कोर्स परचेस करेगा उसी को क्लास मिलेगी, सबको क्लास नहीं मिलेगी, ये पहले से लोकेटेड बिल्कुल लिमिटेड है वो, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो बात को। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? क्लास के बाहर खड़ी है मासूम लठ लेके, हाँ बिल्कुल अखिल प्रताप सही बोल रहे हो। कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? तो सहजीवी संबंध आप लोगों का डाइटम, एनाबीना, स्पाइरोगायरा और लाइकेन। सहजीवी संबंध आपका दिखाता है लाइकेन, कौन दिखाता है? लाइकेन, यानी कि डी इज योर राइट आंसर, ये है लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों का पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। लिक्विड फॉर्मेशन की बात की गई है, तो यार थर्मामीटर में आप लोगों का पारे का इस्तेमाल किया जाएगा। गाना सुना होगा थर्मामीटर हाई हुआ, ये पारा ऐसे चटक गया, है ना, सैया जी का ऐसा कुछ गाना है, मतलब मैंने पूरा सुना नहीं है, इतने ही बड़े याद है बस मुझे। ये बताएं शब्द हाउ के साथ सच नहीं है, तो विच इज नॉट ट्रू द वर्ड हाउ, हाउ के साथ कौन सा शब्द अच्छा नहीं लग रहा है? क्या बात है अखिल प्रताप, मासूम, शिवानी, मनीष, मनीषा, अंजू, जादौन, मंजू, वंदना और राधा टैगोर साहब, शिवानी जी, सब लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। मैथ की क्लास का टाइम क्या होगा? कोर्स इनरोल कर लिया वर्षा जी? जो जो कोर्स खरीदेगा एमसीजी एकेडमी एप्लीकेशन पर उन्हीं को क्लास मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, सुन लो पहले ही बोल रहे हैं। शब्द हव के साथ कौन सी चीज सच नहीं है? तो शब्द हव आप लोगों का देखा जाए एक सॉफ्टवेयर है,
ये इसके साथ बात सही नहीं है, यानी कि वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जिमी विल्स और लैरी शेंगर किससे संबंधित हैं? जिमी विल्स और लैरी शेंगर का नाम तो आपने सुना होगा। अरे क्या बात है काजल राजपूत जी, गुड इवनिंग। राज भी यहीं पर है, थोड़ा सा थमके रहना, समझ रहे हो बात को? नहीं, कोई देख ले तो दिक्कत हो जाएगी। ये बताओ जिमी विल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो जिमी विल्स और लैरी शेंगर की बात की जाए तो ये विकीपीडिया से संबंधित हैं। ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। लाल दरवाजों से संबंधित है, उसकी तरह के पासवर्ड किससे संबंधित है? जैसे ताला जो आप लोगों का है ना, ताला दरवाजों पर डाला जाता है, ओए जादू इधर मत जाइए, ओए जादू, है ना, ये आप लोगों का। उसी तरीके से पासवर्ड किससे संबंधित है? तो पासवर्ड का संबंध आप लोगों का होगा भैया, हमें तो नहीं दिख रहे, दिखेंगे काजल, समझा करो, अपनों के साथ पर्दा की जाती है, ऐसे थोड़ी ना मुंह उठा के, मुंह दिखाई लगेगी। कंप्यूटर राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। ओके, ये बताओ कि पृथ्वी की परत पर ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व तो पाया जाता है? ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम और क्लोरीन। तो ये आप लोगों का सिलिकॉन है, कौन है? सिलिकॉन आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। आप लोगों को छोटा सा टारगेट दिया था कि किसी का भी मोबाइल लो, एमसीजी एकेडमी सर्च करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, मैं क्या करूँगा। प्लीज़ यार हौसला बढ़ाओ, पिछले 3 दिनों में जो है मैं क्लासेस मैराथन लगाऊंगा, तब बच्चे बढ़ेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर, एनीमोमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताइए क्या है? वो उपकरण कौन सा है? वो उपकरण है आप लोगों का वोल्टामीटर। कौन सा मीटर आप लोगों का? वोल्टामीटर आप लोगों का है। यहां पर देखा जाए डी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, डी इज योर राइट आंसर। का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? सर जी मैं कर दूंगी अब क्लास के बाद 3 सब्सक्राइब, ठीक है शुक्ला जी कर देना, आपकी स्माइल वापस आ गई है, हमने बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच टैंगोर साहब। यहाँ देखा जाए का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये है आप लोगों का एनीमोमीटर, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। ये बताओ कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? अपने अंदर क्या है कार्य करने की क्षमता है? अपने अंदर एनर्जी, अपन आग लगा देंगे, किसी भी एग्जाम को फोड़ देंगे, है ना। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है, समझ रहे हो बात को? एनर्जी आप लोगों की कहलाती है, सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, सी इज योर राइट आंसर। 18 वोल्टेज यानी कि वी इज इक्वल टू क्या होगा? वी इज इक्वल टू होता है आर और आई, तो उसने क्लियर लिख के रखा है। वोल्टेज तो 18 लिखा है और ओम का मान भी 3 लिखा है, यहाँ पर आएगा 6, लेकिन इसका यूनिट की बात फंसी है, तो 6 के साथ क्या आएगा बताओ? 6 के साथ आएगा 6 एम्पियर, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। भैया जल्दी आना मासूम जी, है ना, थोड़ा सा जल्दी आना, ऐसे क्लास छोड़कर नहीं जाते, नहीं तो क्या है कि फाइन लग जाएगा, कुटाई भी हो सकती है तुम्हारी। जिस परमाणु की वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता बताइए कितनी होती है? तो 1, 7, 8 या 0। एक एटॉम आप लोगों का है और आउटर सेल टोटली फुलफिल है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण है तो उसकी संयोजकता 0 होगी, वो किसी से कोई क्रिया नहीं करेगी, बोले चल हट, अपना सब कुछ परफेक्ट चल रहा है भाई, 0 इज योर राइट आंसर, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। ये बताओ यह अवधारणा की एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज को गलत सिद्ध किया, किसके द्वारा इसे गलत सिद्ध किया गया कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किसकी खोज ने इसे सिद्ध किया? अपररूपता, समस्थानिक, रेडियोधर्मिता और शंभारिक। तो सभी तत्व के या किसी तत्व के परमाणु समान होते हैं, समस्थानिक ने सिद्ध कर दिया कि समान नहीं होते हैं,
क्यों? क्योंकि समस्त अनेक में तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, समझ रहे हो बात को? तो वी ही इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, वी इज योर राइट आंसर। कितना सुंदर है भाई। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? द्विविस्थापन अभिक्रिया ना होने की बात की गई है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस कौन सी आप लोग की नहीं है? ये अचानक से बच्चे गायब हो जाते हैं ना, तब बड़ा कष्ट होता है, कसम से ऐसा लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है पक्का, है ना। लेकिन गुस्सा तो ऐसी होती है इनको पकड़ के, और दे गाल में भयानक वाली। ये बताओ कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस आप लोग की नहीं है? तो ये वी जो आप लोग का है ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस नहीं है। बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, वी इज योर राइट आंसर। ओके। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी, बताइए कौन सी आप लोग की अभिक्रिया है, जो कि क्या बोल रहा हूँ आप लोगों का उस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? वेरी गुड। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है तो ऊष्मा आप लोगों का दहन कहलाएगी, यानी कि वी जो राइट आंसर, जलेगी, है ना, गर्मी पैदा करेगी, दहन आप लोगों की कहलाएगी। कोई समस्या इसमें आप लोगों का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये आसान सा सेशन था, है ना। चलो ये बताओ गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, मैंने भी देखा भी है, कैंसर जनक ही होते हैं। तो बताइए आप लोगों का इनमें किस चीज की अधिकता होती है जिस कारण से ये कैंसर जनक आप लोगों के होते हैं, किस चीज की अधिकता इनके अंदर होती है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार। वसा की, कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोकार्बनों की, पकाने के तेल की और निकोटीन की। तो यहाँ पर ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें आप लोगों का वसा की प्रचुरता होती है, इज योर राइट आंसर। उम्मीद नहीं है सब बच्चे धीरे धीरे आप लोगों के क्विट करते जा रहे हैं, आई होप कि कोई टेक्निकल इशू होना चाहिए। टेक्निकल इशू तो नहीं है ना, सब ठीक चल रहा है, प्लीज टेल मी। धीरे धीरे रिज्वाइन हो रहे हैं, टेक्निकल इशू है क्या? प्लीज टेल मी, टेक्निकल इशू है क्या? अच्छा ये बताओ कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड? मासूम, आर यू हियर? यहाँ बताइए कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। अरे फिर कमेंट नहीं देखेंगे, पूजा पक्का कर देंगे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? इसको हम लोग वैकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हम लोग कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग वेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। वी इज योर राइट आंसर। हाँ, सी इज योर राइट आंसर होना चाहिए, वेकिंग सोडा हम लोग कह रहे हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान ना ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, क्योंकि वही मैं कन्फ्यूज हो रहा था। वी इसमें आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हाँ जो बेकिंग सोडा है वो तो सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, समझ रहे हो, NaSCO3 आप लोग का होता है। वेरी गुड इवनिंग चिंकू मैन जी। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ हार्ट विद अ वेंस? निम्नलिखित में से किसका हृदय आप लोगों का सिरायुक्त होता है? तो उसके हृदय के बारे में बताइए, किसका हृदय सिरायुक्त होता है? स्तनधारियों का, सरीसृपों का, मत्स्य क्या है या उभयचर का? माशूम, आर यू हेयर? बेटा कहाँ है माशूम, तो गायब हो गई भाई। चिंकू मैन आ गए, चलो कोई तो आ गया चिंकू मैन, चटक मटक के भैया आशीर्वाद पहुंचे तुमको। तो किसका हृदय सिरायुक्त होता है? आप लोगों का सी राइट आंसर रहेगा, मछली के हृदय की बात की जा रही है, सी इज योर राइट आंसर, है ना। ये बताओ मूत्र का असामान्य घटक क्या है? द एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिन, बताइए असामान्य घटक कौन सा है? यूरिया, क्रिएटिन और एल्ब्यूमिन या सोडियम? तो मूत्र का असामान्य घटक आप लोगों का एल्ब्यूमिन होना चाहिए, सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर, एल्ब्यूमिन आप लोगों का ठीक रहेगा।
मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि, एड्रीनेलिन, मोनोयूरेटिक और डायूरेटिक और ट्राईयूरेटिक। तो मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि आपकी डायूरेटिक कहलाती है, यानी कि सीजर राइट आंसर। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से है? ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि का, काल प्रभावन का, दंत का या व्यक्ति वृत्त का? तो सी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। ऑन्डो या ओडेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप लोगों का टीथ यानी कि सी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। दांत के अध्ययन के बारे में बात की जाती है, सी इज योर राइट आंसर। ओके, ओडेंटोलॉजी। ये बताओ कि हीमोग्लोबिन की अधिकता किससे आप लोग की संबंधित है? हीमोग्लोबिन की अधिकता किससे आप लोग की संबंधित है? तो नॉर्मली ऑक्सीजन के लिए आवश्यक होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, या नाइट्रोजन के लिए? तो ये आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा रुकना, मैं टेलीग्राम से वो लगा दूँ आप लोगों का लिंक जो आप लोगों का रहता है। एप्लीकेशन का जैसे जो भी विद्यार्थी मतलब लेना चाहता है वो पीडीएफ फाइल, वो इसको कर ले, सो अपने आप ही उसको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। डाउनलोड कर ले, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी अपनी ओर से, मिल जाएगी अपनी ओर से, वहाँ पर अपलोडेड रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अधिकता आप लोगों का किससे संबंधित है? तो सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है, सी इज योर राइट आंसर। कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्राव होता है? अल्फा, बीटा, गामा और तंत्रिका कोशिकाएं। तो इंसुलिन के स्त्रावण की बात की गई है और बीटा कोशिकाओं से होता है, वी इसमें आप लोगों का ठीक ठाक राइट आंसर रहेगा। घेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये लोहे के कारण, सोडियम के कारण, पोटेशियम के कारण या आयोडीन के कारण। गला सूज जाता है घेंगा रोग में, और ये आप लोग का आयोडीन की कमी के कारण होता है, डी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? तो ये आप लोगों का सोने का क्या होता है? सोने का होता है आप लोगों का AU, यानी कि AU आप लोगों का सोने का होता है, याद रखिएगा। डी इज योर राइट आंसर। मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है? मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है? यूरियोटिक या यूरिकोटेलिक, एमिनोटेलिक, एल्फोटेलिक। तो मनुष्य किस प्रकार का उपसर्जी जीव है? ये आप लोग का यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इज योर राइट आंसर। जो अमोनिया से यूरिया को संश्लेषित कर उत्सर्जन करते हैं वो आप लोगों का यूरियोटेलिक श्रेणी में आते हैं। अमोनिया से यूरिया को संश्लेषित करने का काम करते हैं, यूरियोटेलिक में आते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? काला होगा या गोरा होगा, ये डिसाइड कौन करेगा भाई साहब? तो ये डिसाइड करने वाला मेलेनिन है। मनुष्य में कालापन किसके कारण आता है? मेलेनिन की अधिकता के कारण आता है। डी सॉरी ए इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ACTH हार्मोन स्त्रावित होता है। देखो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेकर के आओ। आप लोगों का मन क्या है, छिन्न भिन्न है, कहीं भी भटक जाता है। कंसंट्रेशन मस्ट कंपल्सरी, यदि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो फुल्ली कंसंट्रेट, पढ़ना ही बस मात्र है, समझ रहे हो। इतनी मस्ती तो मैं करवा देता हूँ कि चलते फिरते एक हाथ तो आप लोग हाथ पीले करवाई लोगे, है ना, परेशान मत हो। ACTH हार्मोन स्त्रावित होता है, तो ACTH से कौन सा हार्मोन आप लोग का स्त्रावित होता है? ये आप लोगों का देखा जाए पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। डायबिटीज मेलिट्स किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो डायबिटीज बताइए किस हार्मोन के कम बनने के कारण होता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन और एक्स
डायोशोन। तो डायबिटीज आप लोगों का इंसुलिन मेलिट्स, इंसुलिन आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो आपका पैर, तंत्रिका, संयोजी और जनन। तो कोशिका का कोई विभाजन नहीं होता, तंत्रिका कोशिका में नर्व सेल टोटली सेटेड आती है पहले से ही। वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है, वी इज योर राइट आंसर। ये संवेदी सूचनाओं का प्रसारण करती है एक जगह से दूसरे जगह तक। कॉर्ड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो कॉर्ड किसकी किस्म है? ये बकरी की, मछली की, फसल की या प्रवाल की? तो कॉर्ड आप लोगों का मछली का एक प्रकार है। किसका? मछली का एक प्रकार है। कुछ जीव तापमानों के कम परास सहन करते हैं, उनमें खूब बढ़ते हैं, ये जीव क्या कहलाते हैं? बहुत कम तापमान आप लोग कहेंगे, हाईली फ्रीजिंग पॉइंट पर। आपकी 6वीं शादी कब है? भैया मेरी तैयारियां चल रही हैं। अभी तो क्या है, लड़की वाले फॉर्चुनर मांग रहे हैं, अभी क्या है उल्टा हो गया है कि लड़की 5 शादी हो गई फिर भी हमारी बेटी शादी कर रही है, तुम्हारी लड़की को फॉर्चुनर चाहिए। और उसके इंतजाम में मैं लगा हुआ हूँ कि फॉर्चुनर के पैसे हो जाए तो 6वीं शादी हो जाए, लड़की पसंद है अपन को, है ना। यहाँ देखा जाए कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो ये तनुतापी कहलाते हैं, जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं और बढ़िया आप लोग का खूब बढ़ते हैं। सी इज योर राइट आंसर। पेंगुइन सुना होगा आप लोगों ने। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रचुर भाषा कौन सी है? प्राणियों का साइंटिफिक नेम की बात की गई है, तो कौन सी भाषा का यूज करेंगे? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या डच? लैटिन भाषा का प्रयोग करेंगे प्राणियों के वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए। लॉकडाउन में हो जाएगी सर, वही मैं सोच रहा हूँ, कहीं से कोई सेकंड हैंड फॉर्चुनर मिल रही है तो बताओ। ये लड़के सौ लड़की सौंक वाली है, फॉर्चुनर चलाना है उसको, समझ रहे हो बात को? देख लो लॉकडाउन में कोई सेकंड हैंड फॉर्चुनर मिल रही है तो पेंट वेंट करवा देंगे। ये बताओ पहले तो, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों का? टाइगर की बात कर रहा हूँ, चीते की। चीते का साइंटिफिक नेम बताओ क्या है आप लोगों का? पैंथर, सुना है? पैंथर टाइग्रिश, हम लोग टाइगर को कहते हैं पैंथरिश टाइग्रस। ओके हाँ, हमको भी बुलाएंगे, ठीक है मंजू। खाना बनाने वाले बहुत कम लोग हैं वैसे भी हमारे पास, तो बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीस में आप लोग का राइट आंसर है। वैसे इसकी शक्ल वो मेरे से मिल नहीं रही है, तो मैं लोग बताओ, वैसे मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, ये मत कहना मास्टर फेंक रहे हो, लेकिन ये देखो थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। देखो ये मैं नहीं लग रहा हूँ, ये मेरा बचपन का फोटो नहीं लग रहा है? बचपन का फोटो लग रहा है ना, वेरी गुड। पैंथेरा लियो हम लोग कहते हैं शेर को, और पैंथेरा ट्रेगिस कहते हैं टाइगर को, समझ रहे हो? पैंथेरा ट्रेगिस आप लोगों का टाइगर को, और पैंथोरा लियो कहते हैं आप लोगों का लॉयन को। तो टिग्रिस और लियो याद रखना। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र एग्जाम्पल है? चंदेल भाई साहब बात तो सही पकड़ती है ये कहीं से भी। मोलस्का संघ का एकमात्र एग्जाम्पल टिड्डी, तितली, बिच्छू और ऑक्टोपस। तो मोलस्का संघ का एकमात्र एग्जाम्पल आप लोग के ऑक्टोपस बाबा है। ऑक्टोपस बाबा की जय हो। डी इज योर राइट आंसर। मोलस्का श्रेणी में आता है। किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, डार्विन, मेंडल, लेमार्क और आपका डेवरीज। तो ग्रेगर जोन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से मेंडल बाबा को जाना जाता है। वी इज योर राइट आंसर। मेंडल को मैं मेंटल भी कह दूं तो वो बुरा नहीं मानते, यही तो उनकी विशेषता है, ठीक है। ये बताओ किससे संबंधित है कालाजार आप लोगों का रोग है? ये कालाजार रोग किससे आप लोगों का संबंधित है? तो टैसी मक्खी से, घरेलू मक्खी से, एनोफिलीज मक्खी से या शिकता मक्खी से? कालाजार आप लोगों का सिकता मक्खी से ही आप लोगों का जुड़ा हुआ है। हैजा के रोगाणु की खोज किसके द्वारा की गई? हैजा के रोगाणु की खोज फिलिप्पो पकीनी, रॉबर्ट कोच, एम लावेरान और फेलिक्स हॉफमैन।
रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के जीवाणु की खोज की गई। रॉबर्ट कोच जो राइट आंसर, दुग्ध शर्करा है, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज या सुक्रोज। तो दुग्ध शर्करा का नाम आप लोग बताइएगा, कौन सी आप लोग की होने वाली है। तो दुग्ध शर्करा आप लोगों का कौन सा है, दुग्ध शर्करा है आप लोगों का लैक्टोज, यानी कि ए इज योर राइट आंसर, लैक्टोज इज योर राइट आंसर। कुछ बच्चे इतना सीरियस होते हैं भगवान कसम, इतना सीरियस होते हैं कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, मैंने मॉर्निंग की क्लास में बोला था कि सब लोग स्टेटस लगाना, मुश्किल से 3 बच्चों ने स्टेटस लगाया और सब कह रहे हैं हम अपना स्टेटस ऐसे थोड़ी ना खराब करेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति का एक दिन आता है, अपना भी आएगा, फिर तो लगाओगे। यहाँ देखा जाए माल्टोज इज योर राइट आंसर, बी आप लोगों का ठीक ठाक राइट आंसर रहेगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति की इकाई मुझे बताइएगा क्या आप लोग की होती है। विद्युत शक्ति की इकाई वोल्ट है, वॉट है, विद्युत है या एम्पियर है। शक्ति की इकाई, और शक्ति किसी के भी पास होती है तो वो वॉट लगा देता है, लगा दी वॉट। बी इसमें आप लोग का राइट आंसर है, क्या कहते हो बढ़िया। पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। तो ये आप लोगों का पीथियम या प्रोनो स्पोला, फाइटोफ्थेरा या एल्बोरगो। पौधों का आर्द्र पतन रोग जिसमें पौधे पीले पड़ जाते हैं, सड़ गल के टूट जाते हैं, आप लोगों का पीथियम डेवेरियनम आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। मिलाओ, मुझे नहीं लग रहा मिला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देखते हैं, मिलवाते हैं जोड़ियां, है ना। डी इसमें राइट आंसर है डायरेक्टली, एग्रीकल्चर आप लोगों का, एक्वा कल्चर सॉरी मत्स्य से है, फ्लोरा कल्चर पुष्प से है, सेरी कल्चर रेशम से है, और विटी कल्चर अंगूर से है। ठीक है, विटी कल्चर आप लोगों का अंगूर से है, ये रहा आप लोगों का अंगूर। ओके, तो ये डी वाला आप लोगों का मिल रहा है, मिलने दो, मिलने का मजा तो आएगा। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग आप लोगों का किससे प्राप्त होता है, लौंग बताएं किससे प्राप्त होता है, फल से, तने से, जड़ से या पुष्प कली से। एकदम मजम, हाँ ये आप लोगों का कली समझते हो, बहुत सुनी होगी अनार कली, एक बार इसकी भी कली सुन लीजिए, लौंग आप लोगों का कली से प्राप्त होता है, फ्रॉम फ्लावर बड्स। डी इज योर राइट आंसर। दबा के लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब करो, और तुम्हें जो करना है सो करो, चैनल तुम्हारा ही है ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, जहां पर इत्तु इत्तु से पौधे लगते हैं, बिल्कुल हरे कलर के देखे होंगे आप लोगों ने, गुल्फिया, लेम्मा, अजोला और फाइकस। तो सबसे छोटे फूलों वाला पौधा गुल्फिया है, कौन सा है, गुल्फिया इज योर राइट आंसर, इज योर राइट आंसर, गुल्फिया आप लोगों का राइट रहेगा। अच्छा, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। भाई साहब एमपीजीएस के धमाकेदार क्वेश्चन होते हैं सुबह 9 बजे, कोई भी धोखे से छोड़ मत देना क्लास, नहीं तो पाप का भागीदारी हो जाएगा। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की कल से टॉपिक वाइज सीरीज शुरू हो रही है, छोड़ मत देना, नहीं तो पाप का भागीदारी हो जाएगा, समझ गए बात को। तो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तेल के ऊपर उठने के कारण मुझे बताओ, दाब अंतर, केशिकीय घटना, तेल की कम श्यानता और सासंजक बल। तो लैंप की बत्ती में तेल आप लोगों का केशिकीय घटना के कारण ऊपर उठता है, वी इज योर राइट आंसर। ठीक है, वी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मुझे नहीं पता, जो करना है सो करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। बात तो तुमने सही बोली है, वैसे तो मैं सोच रहा था रिवीजन करवा दूं, लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ, करवाता भी हूँ, है ना। रिवीजन इज द वे अचीव योर फाइनली लाइव क्लास अचीवमेंट्स। ठीक है, तो भैया मैं अपना रिवीजन करवाऊंगा, जो जाना चाहे वो चले जाना, ठीक है। रिवीजन मैं फटाफट करवाऊंगा, फास्ट एंड फ्यूरियस, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। देखो भैया, रिवीजन पित्त के कार्य को हम लोग पायशीकरण कहा जाता है। दंत बल्क आप लोगों का कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। गले में जो छल्ले होते हैं वो उपास्थि के मौजूद होते हैं। मानव में भोजन हवा के लिए सामान्य इलाका आप लोगों का ग्रसनी आप लोगों का है। किसको पचाने के लिए शाकाहारी में छोटी और आंत होती है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए उस आंत की आवश्यकता होती है। रक्त में कौन सा घटक भोजन
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गंदगी का परिवहन करता है, तो ये आप लोगों का प्लाज्मा करता है। रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार आरबीसी आप लोगों की होती है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो हमारे आरबीसीज में नहीं पाया जाता, और आरबीसीज का टाइम पीरियड 120 डेज का होता है। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है, और निम्नलिखित में से कौन वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो आप लोगों का शंकु कोशिकाएं वर्ण दर्शन से संबंधित हैं। एक न्यूरॉन की सेल कोशिका को हम सोमा नाम से जानते हैं। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो वो है आपका कॉकलिया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो ईयर ड्रम। ऑल्फैक्टरी शब्द किससे संबंधित है? गंध से संबंधित है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। मादा के किस अंग में अंडे किसमें निर्मित होते हैं? अंडाशय में निर्मित होते हैं। इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो प्लेग आप लोगों ने सुना होगा, चूहे के कारण आप लोगों का फैलता है। ओके, ऊपर के निकल रहे, सब सब ऊपर से निकल रहे हैं, इसीलिए तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ चंदेल साहब। एक बार रिवीजन हो गया, क्वेश्चन अपने हो जाएंगे, काम में आएंगे। इनमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है? सरसों आप लोगों का उभयलिंगी पुष्प है। वन वर्ड में याद हो गए तो मजा ही अलग है। आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो सबनम ट्यूबरोसम आपका आलू का वैज्ञानिक नाम है, और प्याज का है एलियम शेपा। कौन सा प्राणी जल में आण्विक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो फाइटोप्लैंकटन आप लोगों का छोड़ता है सिर के ऊपर से या सर के ऊपर से। ये बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है? लाइकिन आप लोगों का सहजीवी संबंध दिखाता है। लाइकिन यदि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है तो अपने आप अफेक्टेड हो जाता है। कौन सा एक थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? पारा आप लोग का प्रयोग किया जाता है। शब्द हव के साथ कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? तो हव एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिमी विल्स और लैरी शेंगर आप लोगों का, लैरी शेंगर का तो नाम याद होना चाहिए, विकिपीडिया से रिलेटेड है आप लोगों के। 2001 में इनके द्वारा विकिपीडिया की शुरुआत की गई थी। जिस प्रकार ताला दरवाजे से संबंधित है, पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। पृथ्वी की परत पर ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन आप लोगों का है। विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो वोल्ट मीटर है, और किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो वो आपका एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और यहाँ पर आपका धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यही पूछना चाह रहा था वो। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है तो उसकी संयोजकता 0 होगी, जब सब पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है तो क्यों क्रिया करेगा? यह अवधारणा की एक तत्व तो किसी परमाणु समान होते हैं समस्थानिक की खोज के बाद ये बात गलत सिद्ध हो गई, और ये कोई काम का नहीं है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी में प्रकाश और स्पेशली गर्मी और प्रकाश पैदा करे तो आप लोग की दहन कहलाती है। दहन का वास्तविक अर्थ आप लोग जानते होंगे, जलना हम लोग कहते हैं। ये बताते जाएं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम वंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। किन कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। घेंगा आप लोगों का आयोडीन की कमी के कारण होता है। सोने का रासायनिक फॉर्मूला Au होता है और चांदी का Ag होता है। मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है? यूरियोटेलिक इज योर राइट आंसर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलेनिन है, ज्यादा होता है तो काले पड़ जाते हैं। ACTH हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से आप लोग का स्रावित होता है। डायबिटीज किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो इंसुलिन के कम बनने से आपको डायबिटीज हो जाती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में। कॉड किसकी किस्म है? मछली की एक प्रकार होती है कॉड। कुछ जीव तापमानों के कम पराग सहन करते हैं, खूब बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों का
ये पेंगुइन है, समझ रहे होते, ये आप लोग के तनुतापी कहलाते हैं। प्राणियों का वैज्ञानिक नाम प्रचुर भाषा लैटिन भाषा आप लोग का है, जिसमें हम लोग उनके साइंटिफिकली नेम रखते हैं। राष्ट्रीय प्राणी स्पेशली नेशनल एनिमल का नाम आप लोग का पैंथेरा जाइग्रिस रखा गया है, ये मेरे जैसा दिखता है, पैंथेरा टिग्रिस रखा गया है और ये है आप लोग का, और पैंथेरा लियो रखा गया है, लियोन का, लॉयन है नॉट एज लियोन, सॉरी। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? ऑक्टोपस बाबा की जय हो। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। कालाजार आप लोगों का सिकता मच्छी के कारण आपका संचारित होता है। हैजा के रोगाणु की खोज आपका किसके द्वारा की गई थी? यह आप लोगों का याद रखना होगा, रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के जीवाणु की खोज की गई। दुग्ध एक माल्टोज शर्करा है और विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होती है। पौधे का आद्र पतन रोग पिथियम डेवेरिनियम के कारण होता है, और ये मैच आप लोगों को बिताना था, जिसमें एक्वा कल्चर का मतलब मत्स्य उत्पादन, फ्लोरा कल्चर का मतलब पुष्प उत्पादन, सेरी कल्चर का संबंध रेशम से और विटी कल्चर का संबंध अंगूर से दर्शाया गया। मसाला लौंग आपका पुष्प कली होती है और सबसे छोटा फूल आपका वुल्फिया का होता है, और लैंप की बत्ती में तेल आपका केस की घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। यही वो क्वेश्चन, यही वो चीजें आप लोग की थी जिन चीजों को मैं आपको समझाने वाला था। आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा, चीजें बहुत ही शानदार रही है आज की क्लास। रिवीजन इज द थिंग जिससे आप लोग चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। प्लीज यार, एक छोटा सा काम दिया था आप लोगों को लाइक करने का, तो प्लीज यार लाइक कर दो, करवा दो और लोगों से, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना कीजिएगा, आई एम ऑलवेज विद यू, जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हो सकेगा। और बताएं क्या सहायता कर सकते हैं, सब बढ़िया आप लोग एकदम मजम्मा, कोई समस्या है तो बताइएगा। आप लोगों के लिए विशेष सूचनाओं का मैं आह्वान तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ नया नया करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कोई यदि किसी सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है और मेरे साथ एमसीजी एकेडमी पर वर्क करना चाहता है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी, बिकॉज ऑफ आई नीड अ छोटी सी टीम जो कि सपोर्टिव रह सके, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में माहिर होना चाहिए। और पैसे तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना है कि आप लोगों का जेब खर्च के लायक मिल जाएगा, है ना। अब आपका जेब खर्च ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को सर एक एंटर की चाहिए, है ना, तो मतलब समझ में पता चला कि यूट्यूब की इतनी इनकम नहीं थी, आप लोगों ने एंटर की मंगवा ली, सब बराबर हो गया। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, चलिएगा, टाटा बाय बाय, है ना। कोई आप लोगों में से एक्सपर्ट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी, माई कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास होना चाहिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एक बार डाल देता हूँ, ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, यही कॉन्टेक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, समझ रहे हो। चलो ये रहा, मैंने डाल दिया है, हम तो आते हुए लाइक करते। चलिए थैंक यू सो मच रोजी, क्या बात है रोजी, वाकई में रियल स्टूडेंट है वो, मतलब परमानेंट आती है उसको, कोई समस्या नहीं होती, सब बढ़िया ना, एकदम मजा मजा चल रहा है, सब अच्छे तो होना सभी लोग। ओह फो वेरी गुड, ओ गुड नाइट यार, एड स्किप मत किया करो, शुभ रात्रि, गुड नाइट चंदेल साहब, गुड नाइट प्रयाग, वेरी गुड 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 नाइट, चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल आप लोगों को कंटेंट मिलेगा करंट अफेयर्स में सुबह 7 बजे टॉपिक वाइज, तो चाचा आ जाइए, है ना, बड़े ही भाग्य की बात होगी टाइम से आ गए तो। ठीक है, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, ओके प्रयाग जी, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।